गाइस, मैं हूं दोस्तों सिमरसी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टेलीनॉर की ई सिम के बारे में। तो मेरी तरह आप लोगों के जहन में भी ये सवाल होगा कि बाकी कंपनीज की सिम की तरह, जैसे यूफोन की हमारे पास ई सिम की अवेलेबिलिटी है, जैस की सबसे पहले पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी आई थी पाकिस्तान में ई सिम की, और जों की भी पिछले कुछ दिनों में एक दो महीने से ई सिम की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप लोगों के जहन में भी मेरी तरह बिल्कुल सवाल यही होगा कि क्या पाकिस्तान में टेलीनॉर की ई सिम अवेलेबल है फ्रेंचाइज पे, या फिर क्या आने वाले वक्त में या फ्यूचर में इसके बारे में कोई सिग्नल है, क्या वो इसको लॉन्च कर रहे हैं या लॉन्च नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्योंकि आप लोगों के जहन में बहुत से ये ऐसे सवालात होंगे, क्योंकि अक्सर ही आजकल के दौर में पिक्सल के फ़ोन और वन प्लस के फ़ोन और आईफोन्स में ई सिम की फैसिलिटी आजकल लाजमी रिक्वायर्ड है। और आपको ये भी पता होगा कि जैज़ की ई सिम के प्राइस कहाँ ऊपर जा पहुँची हैं, आसमानों को छू रही हैं। 5,000 रुपये की ई सिम एक है। तो रही बात बाकी टेलीनॉर की ई सिम की, तो उसके रिलेटेड मैंने ट्विटर पे टेलीनॉर पाकिस्तान से क्वेश्चनिंग की थी, तो उन्होंने मुझे जो रिस्पांस दिया, मैं वो आपको रिस्पांस दिखाता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी कि टेलीनॉर का क्या रिस्पांस आया। जब मैंने टेलीनॉर वालों को ये मैसेज छोड़ा ई सिम के रिलेटेड कि आप इसको लॉन्च करने के रिलेटेड क्या सोचते हैं, या आपने लॉन्च कर दी है या कब करेंगे, कोई एनी डेट्स फ्यूचर में, या इस पर काम हो रहा है, तो इन्होंने क्लियर कट बता दिया कि आपका इसमें इंटरेस्ट शो करने का शुक्रिया, लेकिन हम इसको नियर फ्यूचर या इन केस इन 6 मंथ या साल में भी कहीं भी इनका मुझे लगता नहीं कि लॉन्च करने का कोई इरादा है। बाकी मज़ीद फ्यूचर में इसके रिलेटेड अगर और कोई अपडेट मिलती है तो मैं वीडियो लाजमी बता दूँगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।